तो मैं भी ये हो जाएंगे हमारे लिए। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है यार। जस्ट अभी हम लोग सूट कर आए हैं और सच बता रहा हूँ मैं बहुत थक गया हूँ। और गाइस जब मैं छोटा था तब से लेकर आज तक मेरे दिमाग में ख्याल तो आता ही है। देखो हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ काम होता है। अगर हम बच्चे होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे सर पर आ जाती है बहुत सारी जिम्मेदारी, हमें करना पड़ता है काम। अगर सोचिए ये कुछ आपको अपनी लाइफ में कभी करना ही ना पड़े, ना ही आपको स्कूल जाना पड़े और ना ही आपको कोई भी काम काज कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है पता है? मस्त अपने बेड पर लेटना है और पूरा दिन आपको मजे करने हैं। आप टीवी देखो, कुछ भी करो, कोई काम नहीं करना है। तो गाइस क्या आप अपने कमरे में रह पाओगे? इतना सारा कंफर्ट है आपके पास, सब कुछ है। ऐसी है अगर आपको गर्मी हो रही है, यहाँ पर आप बेड पर सोए हो, आपके पास टीवी है एंटरटेनमेंट के लिए, तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे बिता सकते हो गाइस? तो मैंने सोचा क्यों ना एक टेस्ट किया जाए जिसके अंदर हम पूरे 3 दिन के लिए एक ही कमरे के अंदर रहे, बाहर ना जाए। ये जो आप कमरा देख रहे हो इसी के अंदर हम 3 दिन 24 घंटे का चैलेंज नहीं है गाइस, ये है पूरे 3 दिन का चैलेंज और हम पूरे 3 दिन इसी कमरे में बिताने वाले। हमें खाना पीना सब कुछ यहीं पर करना है। तो वीडियो गाइस काफी ज्यादा अलग और नए टॉपिक वाली होने वाले, तो प्लीज इसके लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना यार, फटाफट से करिए वीडियो को लाइक। एंड अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी आप सोचोगे कि पूरे 3 दिन एक कमरे में बिताना इम्पॉसिबल है, खाना पीना सब कुछ कहां पर होगा? तो गाइस पहले तो देखिए ये रहा अपना पानी का स्टॉक पूरे 3 दिन का, एंड गाइस साथ ही साथ ये रहा हमारा खाने का स्टॉक। ये जो बड़ा सा बक्सा देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा भरा पड़ा है खाने से, एंड साथ ही साथ बाहर भी इतना खाना पड़ा हुआ है। और ये रहा वॉशरूम जहाँ पर आपको फ्रेश होना है खाने के बाद में या फिर नहाना है, कुछ भी करना है गाइस यहाँ पर हो जाएगा इस कमरे में, ठीक है? इसको करते हैं बंद। ये रहा अपना पूरे 3 दिन का कपड़ों का स्टॉक। मतलब गाइस अभी जो हमारा चैलेंज शुरू होगा तो कर ही देते हैं, अभी देरी क्या है, ठीक है? 3, 2, 1 एंड गाइस कमरा जो है वो लॉक हो चुका है, हमारा 3 दिन का चैलेंज जो कि होने वाला है एक ही बेडरूम के अंदर वो हो चुका है शुरू। और इसमें हम 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर है सोहेल, यहाँ पर है सलमान और एक कैमरामैन आर्यन है वो आप जानते ही हो, एंड मैं हूँ गाइस यहाँ पर। तो हम 4 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो आने वाला है मजा क्योंकि भाई अपना बेड है, मस्त चिल करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, पर आगे आगे देखते हैं कितनी मुसीबतें बढ़ती जाती है। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि टाइम पास इजीली हो जाएगा। देखो कुछ खाना वगैरह खाएंगे। वाओ गाइस फेमस कचौरी, ड्राई कचौरी है, मस्त। जो अपनी कचौरी खाएंगे, नेटफ्लिक्स में मूवी देखेंगे मस्त। मैंने एक बार है ना एक साथ 2 मूवीज देख लिए, 2-2 घंटे वाले। बाद में जब मैं बाहर गया ना मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बड़ा हुआ था मेरे साथ में सर। यार नेटफ्लिक्स में बहुत सारे चॉइसेस है यार, देखो ये पंगे रहते हैं। चलो गाइस थोड़ी देर टाइम पास करना है, 9:30 बज चुके हैं सुबह के, आज सुबह ये शुरू हो रहा है, कल वापस 9:30 बजेंगे, वापस 9:30 बजे और वापस 9:30 बजेंगे ना, तब जाके ये चैलेंज खत्म होगा। तो पहले हमारे 2.5 घंटे तो जो निकल चुके हैं, हमने मूवी को जो वो खत्म कर दिया, ठीक ठाक मजा आया। और वैसे भी गाइस देखो पहले तो दिक्कत नहीं होती है, कोई भी चैलेंज वगैरह होता है स्टार्ट में दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हो चुका है खाने का टाइम, बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। इसके लिए खजाने में से निकलेंगे भाई, इसमें से निकले हैं पिज्जा, तो सबके लिए पिज्जा ही निकाल लेता हूँ। वाओ गाइस तो अभी हम दोपहर को खाने वाले हैं पिज्जा और ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे कि ज्यादातर हमें कुछ मेहनत करनी पड़े उसमें। गाइस ये पिज्जा रेडी टू ईट है, फ्रोजन होते हैं। देखो यार मजे करेंगे, अपना चैलेंज क्या है पता है, मजे करते करते सजा लेना, क्योंकि इतना मजा करो कि वो आपको सजा लग जाए। अमेरिकन गार्डन पिज्जा, यार इस वक्त हमारे पास ओवन नहीं है तो ये देसी जुगाड़ से कुछ भी करके पिज्जा बना रहे हैं। अच्छा देखो बन जाता है तो वो ठीक बात है, काम निकल जाता है अपना। गाइस फाइनली अपना पिज्जा जो बनकर रेडी हो चुका है, फ्रोजन है बट लग रहा है भैया अभी अभी जस्ट नया बनाया है, हालांकि काफी महीनों पहले बनाया होगा। देखो कोक के साथ में पिज्जा, भाई काफी भूख लगी थी सच बता रहा हूँ। चलिए दोपहर का अपना हो गया, मस्त पिज्जा बना है खा लेते, रात के रात को देख लेंगे क्या करते हैं। अब यहाँ पर हमने कचरा कर दिया है बहुत सारा, इसको समेटते हैं और बाद में कुछ देखते हैं कि भैया शाम तक टाइम पास कैसे करें। गाइस ये तो हम 3 दिन घर में रहने का चैलेंज कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर घर में रहने की सजा दी जाती है कुछ कुछ जुर्मों के लिए, जैसे कि हम यहां पर कुछ जुर्म करते हैं इंडिया में तो हमें जेल जाना पड़ता है। तो काफी सारी ऐसी कंट्रीज भी है जहां पर छोटे मोटे जुर्म करते हैं ना, कुछ बड़े वाले नहीं, छोटे मोटे आपने कुछ कर दिया तो आपको 2 महीना 3 महीना यहां तक कि 6 महीना भी आपके खुद के घर में रहने की सजा मिल सकती है। जी हाँ गाइस तो हम ये जो कर रहे हैं वो एक तरीके से सजा भी है काफी कंट्रीज में।
गाइज यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम पास करने के लिए है रूबिक्स क्यूब और अभी कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन इसे जल्दी से सोल्व कर सकता है। तो ये रहा टाइमर और कंपटीशन शुरू करते हैं। 1 3 2 1 कर दो शुरू। हाँ कर दो। ओके गाइज गाइज फाइनली सोल्व हो चुका है। देखो पूरा सोल्व कर दिया मैंने। कितने 1 मिनट 36 सेकंड हो गए। हालांकि गाइज ये इतनी देर इसीलिए लग रही है क्योंकि यार अभी ये स्लो हो चुका है बहुत बुरा वाला। देखो पूरा मतलब इसकी हालत देख लो। 1 मिनट 36 सेकंड में अभी इसकी बारी है। शुरू हो। लेट्स सी। मुझे लगे थे 1 मिनट और 36 सेकंड ये कितने में कर पाता है। एक मिनट 30 सेकंड। ओ गाइस यहाँ पर मैं सिर्फ 4 सेकंड हार गया यार। हल्का सा रह गया। इसको लगा 1:32, मुझे लगा 1:36। इन लोगों को तो आते ही नहीं है। गाइस अभी कुछ टाइम पास कर रहे हैं, छोटे मोटे गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि देखो सब कुछ अपना कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। मजे करने पड़ेंगे, मस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके 3 दिन निकलेंगे। ऐसे तो निकलेंगे नहीं। गाइस हमने सब कुछ कर लिया जो आप सोचते हो ना कि आप घर पर रहोगे तो भैया गेम खेलोगे, मूवीज देखोगे, हमने सब कर लिया। फर्स्ट डे निकालना भी इतना ज़्यादा मुश्किल है घर के अंदर, और जब आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग रहता नहीं है ना चीज़ करने को, तो भाई साहब जो टाइम होता है और ज़्यादा लेंथी हो जाता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। 1 घंटा तो आपको लगेगा पूरा दिन निकल गया। चलो कोई नहीं, अभी कितने 4:45 बजे है और मेरा कर रहा है चाय पीने का मन। सब पियोगे ना? गाइज इस लाइटर की दिक्कत ये होती है कि जब भी आप इसे स्टार्ट करने जाते हो आपको शौक लगता है उल्टा। या गया। अरे यार जला दिया। रहने दो रहने दो। गाइज गलती से जो ना तपेली पहले लगा दिए, दूध जल गया। अभी पूरा जो आप चाय बनाओगे ना वो बदबू वाली बनेगी, साफ करनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है इसको वापस से साफ करते हैं एंड इतना दूध जो इसको जाने देते हैं। पहले दूध डाल देते हैं इस बार गलती ना करेंगे। सेकेंड डे, थर्ड डे, और यार देखो ऐसा ही फील हो रहा है। एक बार टीवी देख लिया तो टीवी खत्म हो गया। बताइए कि आप टीवी देखते रहोगे पूरा दिन? धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें होती है ना जिसमें आपको मजा आ रहा होता है वो खत्म होती जाती है और हो जाती है बर्बाद। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप जेल के अंदर ही हो। देख लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास कप थे नहीं, बड़े बड़े कप्स थे, तो इसका यूज कर रहे अभी। यार ऐसा लग रहा है कि हम हॉस्टल में रह रहे एंड सब कुछ अपना खुद बनाकर खुद खा रहे। थोड़ी ज्यादा मीठी लग रही है। चलो ठीक है, जब बन गई। जस्ट बर्तन वगैरह साफ कर बैठे हुए 7 बजे है और हमारे सामने एक दिक्कत भी आई है कि हम 3 दिन का चैलेंज कर रहे हैं। हमने किया है सिर्फ 24 घंटे का चैलेंज आज तक सबसे बड़ा, बट 3 दिन के चैलेंज हमने कभी नहीं किया। हमारे पास बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग होगी, बहुत लंबी होगी, उसको 15 मिनट 16 मिनट में फिट करना पड़ेगा एडिटिंग कर, तो बहुत मुश्किल भी रहने वाला है, बट चलो कुछ करके मैनेज कर लेंगे। और यार अभी हमारा किसी के खाने का मन भी नहीं है। हमने दोपहर को भी अच्छा खासा खाना खा लिया, बाद में थोड़ा बहुत नाश्ता किया, चाय पी लिया, अभी तो खाने का तो कुछ मन कर नहीं रहा। अगर होगा तो अपने पास वहां पर ढेर रखा हुआ है, जिसको मन करेगा भाई वो खा लेना, ठीक है? कुछ अभी बना नहीं रहे क्योंकि देखो घर में ही बैठना है, यहाँ से कुछ एक भी कदम चल नहीं रहे तो भूख तो लग नहीं रही है, तो चला लेंगे। अगर भूख लगी तो नाश्ता है। चलिए अभी कोई मैं वापस से अच्छा सा मूवी ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है टाइम पास के लिए कोई अच्छा सा मूवी मिल जाए एंड उसको देखते देखते अपनी आंख लग जाएगी। रात को पता नहीं कब सो गए थे, मुझे आइडिया भी नहीं है, बट अभी ये लोग और भी ज्यादा सो रहे हैं, पता नहीं ये कब उठेंगे। सुबह 9 बज गए। उठो उठो उठो। ये लोग ऐसे उठेंगे, ऐसे मानने नहीं वाले। उठो 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 उठो। अभी देखते हैं फ्रेश वगैरह होते बाद में बात करते हैं आपसे। यहाँ पर अभी अभी शॉर्ट सर्किट हुआ बहुत बड़ा वाला, पता नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आग लगी ना उसका ही हुआ है। पकड़ो इसे गाइस। यहाँ पर मैं फैन की स्विच जो ऑन करी मैंने और एक ही झटके में भाई अंदर कुछ पहले तो आवाज आई और धमाकेदार जो वो अंदर आग वगैरह निकली। चैलेंज में मुसीबतें तो आ ही रही है, पता नहीं ये अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तब जाके समझना कि हमने इसको कंप्लीट किया है। दो बार तो हम फेल हो चुके थे इसे करने में, वापस से इसको कर रहे। उसके पास जाने में ध्यान रखना है गाइस। अभी अभी नहाए भी नहीं है, फ्रेश भी नहीं हुए है और पता नहीं ये सुबह सुबह क्या हो गया यार, आज पूरा दिन कैसे निकलेगा। चलो चलिए गाइस मैं फटाफट से हो जाता हूँ फ्रेश और तुम लोग ध्यान रखना उस तरफ मत जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलिए मैं फ्रेश हो जाता हूँ।
चलो फटाफट। अरे यार ये वापस से सुन ले, उठ उठ उठ। चलो मैं थोड़ी बहुत चाय वगैरह बना लेता हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाइए फटाफट। गाइस तो मैंने चाय वगैरह बना रखा है और ये लोग भी फ्रेश हो चुका है, तो अभी हम करने वाले हैं नाश्ता। और अजीब बात तो ये है कि कमरे में बैठे बैठे ना तो आपको भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है, ज्यादातर ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि आप वर्कआउट वगैरह तो करते नहीं हो। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं यार, नहीं तो पूरा अकड़ जाएंगे तीन दिन बाद। चलो मेरा नाश्ता हो गया सुबह सुबह, कुछ ज्यादा पसंद आया नहीं, चाय ठीक नहीं बनी यार, सुबह सुबह बिगड़ गई यार। गाइस अभी दोपहर के 12 बजे और हम कर रहे हैं एक झोलो चिप चैलेंज। देखो कुछ करने को है नहीं तो टाइम पास करने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये है ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। गूगल हम सबको एक चुटकुला सुनाएगा और हमें हंसना नहीं है, ठीक है? रेडी हो गाइस? आपको पता है गूगल के चुटकुले इतने बेकार होते हैं कि उसकी बेवकूफी जो है ना उस पर हंसी आती है, उसके चुटकुले तो मजेदार होते ही नहीं है। बट चलो ठीक है, हल्की सी स्मेल वगैरह तो अलाउड है, बट हाँ हंस दिए जोर से तो आउट, ठीक है? और खानी पड़ेगी। चलो जी, हे गूगल चुटकुला सुनाओ। इससे मुझे हंसी आती है, आइए देखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी चिंटू से बात नहीं करता। एक दिन चिंटू को एक जादुई चिराग मिला। चिंटू ने जीनी से मांगा, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दो जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे बात करने के लिए हों और मेरे पास पैसों से भरा बस्ता हो। जीनी ने चिंटू को एक बस का कंडक्टर बना दिया। देखो इसके चुटकुले खराब होते हैं गूगल के, बट ये वाला भाई टॉप टॉप लेवल का था। आपने सुना, अभी झोलो चिप खानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है? दोपहर को झोलो चिप आ चुकी है और एक ही बार में हंस दिया, इससे रहा नहीं गया, पूरी खा जाओ एक बार। पूरी झोलो चिप खानी पड़ी है यहाँ पर गाइस। देखो ऐसा हो सकता है, मतलब आप चैलेंज हारोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। एंड गाइस अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि खाना खा लेते हैं ना, खाना खा लेते हैं। और देखो आगे पता नहीं, हमने सोचा है कि खाने का जो शॉर्ट वगैरह होंगे वो स्किप में भी हो सकते हैं, क्योंकि यार पूरे वीडियो में सिर्फ खाना खा रहे हो खाना खा रहे हो खाना, एक ही चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ अलग अलग चीज आनी चाहिए। गाइस ये हमें बाहर से मिला है खाने को, गर्म है फिर अभी भी गर्म है। हां फुल गाइस मंचूरियन, ठीक है चलो कुछ ज्यादा भूख तो लगी नहीं बट खा लेंगे। तो यहाँ पर मंचूरियन सर्व हो रहे हैं, दोपहर का खाना है हमारा ये गाइस। तो फर्स्ट सर्विंग में इतने इतने मंचूरियन आए हमारे हिस्से में, वैसे और पड़े हुए थोड़े से, ज्यादा नहीं है। तो हमने दोपहर का खाना खा लिया है एंड 24 घंटे के ऊपर कुछ घंटे हमारे हो चुके हैं। तो गाइस सच बता रहा हूँ, अभी तक हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, सच सच बता रहा हूँ, 24 घंटे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। रीज़न तो फर्स्ट ये है कि हम हैं अपने बेडरूम में, यहाँ पर पूरी जो फैसिलिटीज़ है, एंड दूसरी बात ये हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा मुश्किलें में जो 24 घंटे के चैलेंज ऑलरेडी करते हैं, तो ये घर में 24 घंटे बिताना अभी तक कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। बट अभी ये हो रहा है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और मतलब टाइम कैसे निकालेंगे वो पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी सच बता रहा हूँ, आगे चलकर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास टीवी है, बहुत सारे मूवीज है, अभी भाई मूवी पसंद हो या फिर ना हो देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है? टाइम पास करने के लिए यही हमारे पास एक जरिया है, तो फटाफट से कोई मूवी लगाते और थोड़ा सा टाइम पास करते। देखो फर्स्ट डे हम इतना कुछ बोर नहीं हुए थे जितना आज हो रहे हैं, और आज तो हद हो चुकी है भाई साहब, हम मूवीज़ देख रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मन नहीं लग रहा है मूवीज़ वगैरह देखने का। और अब पता चल रहा है कि एक कमरे में रहना कितना मुश्किल होता है, 24 घंटे तक तो ईजी था, ये लोग भी है ना यार ऐसे ही लग रहा है आपको, देखो ये थके हारे ये सोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम निकल जाए। हमने कोशिश करी है देखो मूवीज़ वगैरह देखने की, बट हद होती है गेम खेलने की, कितना खेल सकते हो। और देखो अभी हम खा जो रहे हैं ना वो नहीं दिखाएंगे यार इस बार, तो इस टाइम का तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बार बार पूरे वीडियो में हम खा ही रहे आपको लगेगा कि खाने का वीडियो है या फिर चैलेंज है। भूख लगी, जिसको जिसको भूख लगी भैया वो अपने हिसाब से बनाकर कुछ भी खा लेगा, तो इसमें पड़ा हुआ कोई टेंशन है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस,
ये तीसरा दिन ये ना तीसरा दिन हमारा शुरू हो चुका है। दो दिन जैसे तैसे निकाल दिया, बट अभी यार बहुत मुश्किल हो रही है। चलो कोई नहीं, तीसरा दिन शुरू हुआ है, इसे कैसे भी निकालना तो पड़ेगा ही। फटाफट से फ्रेश हो जाते और आज नहाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि वैसे की वैसे यार कुछ मतलब बदलाव तो हुआ नहीं। यहाँ पर ही बैठे हुए बर्तन है ना हमारे, वैसे ही पड़े, कलर ने कम साफ किए थे, रात को एक बार चाय बनाई वो वैसे ही पड़े भाई सब, अब भी वो गंदे हो चुके हैं, तो चाय बनाना कैंसिल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आलस हो रहा है यार। तो ना अभी हम दूध और बिस्किट और अपने पास क्या है रस वगैरह है, दूध से खा लेते, चाय नहीं बनाते, ठीक है, मिक्स कर देते यार। अभी चाय बनाने का कोई रास्ता है नहीं, तो सुबह सुबह ओरियो और दूध। चलो काम तो चलाना ही पड़ेगा भाई, आज नहाने नहीं वाले हम लोग। नहाओगे तुम लोग? मैं तो नहीं जाऊंगा। वैसे के वैसे है भाई, कुछ बाहर तो गए नहीं, नहाने की जरूरत भी नहीं है, और आज पूरे दिन आलस ही करनी है, क्योंकि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। पता नहीं वो तीन दिन एक ही कमरे में रहने से हो रहा है। गाइस अभी टाइम पास करने की यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि अभी मूवीज वगैरह में मजा नहीं आ रहा, गेम खेल कर टाइम पास करते हैं थोड़ा बहुत। और गाइस जो भी इसे हारेगा उसे पिलो खाने पड़ेंगे बहुत जोर के, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। गाइस जैसा कि मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आ चुका हूँ, और मुझे पता ही था मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत इजी है, मुझे बहुत आता है ये। गाइस तो गेम खत्म हो चुका है, मैं हूँ पहला विनर, मैं हूँ दूसरा विनर, और ये अभी दोपहर का खाना का भी करना है ना, क्या बनेंगे? सैंडविच, सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच करते हैं। सैंडविच का प्लान है अपना, ठीक है, सामान वगैरह सब कुछ पड़ा है सैंडविच का, जब मन करेगा तो बनाना शुरू कर देंगे। गाइस अभी हम दोपहर के खाने में सैंडविच बनाने वाले, क्योंकि देखो टाइम जा नहीं रहा था, मैंने सोचा हाथ का बना भी खा लेंगे और थोड़ा बहुत अपना टाइम पास भी हो जाएगा। तो दो ब्रेड के पैकेट है हमारे पास, और मैं भी ये हो जाएंगे। जैसा कि परसों हुआ था, और इस बार गैस मैं भी इसकी वजह से लाइट जा चुकी है। अरे यार पूरे कमरे में गैस बदबू फैल चुकी है वायर जलने की, यार एक दिक्कत सामने आ रही है गैस। ये अगर बार बार ऐसी चीज हो रही है यहाँ पर, तो ये पीओपी वगैरह होती है गैस, वो जल सकती है। सच में अगर कहीं पर लीकेज वगैरह हुआ जैसा कि यहाँ पर हुआ है गाइस, ये बोर्ड पूरा जल चुका है, आग निकली थी उसमें से अचानक से। मैं कुछ वहां पर करने जा रहा था, फैन वगैरह ऑन करने के लिए, आग निकल रही थी, और अगर वो चीज गाइस यहाँ ऊपर कहीं हो गई तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक पूरा पीओपी अचानक से जलने नहीं लगता। तो मे बी गाइज अभी हमें जो इस चैलेंज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लाइट भी चली गई है इस बार, तो 20 घंटे हमारे चैलेंज के और बाकी है, और इस चैलेंज को खत्म करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी, हम चाहते नहीं थे। बाकी गाइज हमने इस ढाई दिन ना, दो ढाई दिन जितना भी रहा गैस, बहुत बोर हो गए कमरे के अंदर। हम जो सोच रहे थे हम टीवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दो बार अपने टीवी देख ली, बाद में खत्म, मोबाइल बाद में खत्म। ऑलमोस्ट ढाई दिन के बाद हम जा रहे हैं बाहर। गैस धूप की वजह से आंखें नहीं खुल रही है, बट यार फ्रेश हवा अंदर आई तो मजा आ गया ना, सच में आंखें नहीं खुल रही यार, रुक रुक रुक। एंड बाहर की जो रोशनी, जो हवा है ना, एकदम फ्रेश लग रही है, अभी बहुत फ्रेश लग रही है, क्योंकि दो ढाई दिन के बाद हम कमरे से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर हमें इस चैलेंज को खत्म करना पड़ा है। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना, बहुत मेहनत करी यार इस चैलेंज को करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।